स्टार्ट। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीएमएलटी एंड डीआरपी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिमेटोलॉजी के सेकंड लेक्चर पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड कंपोजिशन, यानी हिमेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, ब्लड कंपोजिशन, यानी ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किन किन चीजों से वो कम्पोज हुआ है। उसके बाद में आगे की स्टडी करने से पहले एक बार अपन प्रीवियस लेक्चर को चेक कर लेते हैं, उसकी थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। उसके अंदर तीन टॉपिक थे, हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले, ब्लड का इंट्रोडक्शन और फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अपना जो प्रीवियस लेक्चर था हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन पे, उसके अंदर देखो क्या था, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द कॉजेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, यानी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, बीमारी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी कॉजेस यानी किस कारण से होती है वो, या फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है और उनसे बचा कैसे जा सकता है, उन सभी की स्टडी आप किस चीज में करोगे, हिमेटोलॉजी के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व ट्रीटिंग डिजीज दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, such as blood cell, hemoglobin, blood proteins, bone marrow, platelet, blood vessels, spleen, and the mechanism of coagulation. यानी हिमेटोलॉजी के अंदर आप किसकी स्टडी करोगे, ब्लड से रिलेटेड जितनी डिजीज है, कौन सी जैसे ब्लड सेल के प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर उसके कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या ब्लड से रिलेटेड जो प्रोटीन है एल्बुमिन, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम आ गई, उन सभी की स्टडीज आप किसमें करोगे, हिमेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स, यानी यह किसका अध्ययन है, एक तो ब्लड का, रक्त का, दूसरा ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी इट मीन्स की ब्लड जो ब्लड सेल्स है, सेलुलर कंपोनेंट है, वो किस ऑर्गन में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, ठीक है, एंड ब्लड डिजीज, और ब्लड से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब हिमेटोलॉजी के अंदर आप ब्लड की स्टडी करोगे और ब्लड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है उन सभी की आप स्टडी करोगे। हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी रूटीनली रिपोर्ट नंबर ऑफ सेल, और जो हिमेटोलॉजी की लैब है वो डेली क्या है कि सेल काउंट को रिपोर्ट करती है, अपनी बॉडी में कितना कितने परसेंटेज सेल है, उनके अंदर कौन सी सेल रिपोर्ट करती है, वो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, की हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कितनी है रेड ब्लड सेल में, और ई एस आर यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी जो आरबीसी के नीचे बैठने की जो सेडिमेंट होने की दर है वो कितनी है, पीसीवी यानी पैक सेल वॉल्यूम, और जो सेडिमेंट होने के बाद ऊपर का जो पोर्शन बचता है वो कितना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इन हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड एंड इंक्लूड फंक्शंस ऑफ ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हिमेटोलॉजी के अंदर आप किसकी स्टडी करोगे, ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, बीमारी है या प्रॉब्लम है ह्यूमन बॉडी में, उन सभी के ऊपर डिस्कस करोगे, या फिर उससे रिलेटेड जो फंक्शन है, ब्लड क्या क्या अपनी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है वो तो भी पढ़ोगे, और क्या है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है कि डायग्राम दिखाया था आपको, जिसके अंदर आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट सभी की अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर दिखाई गई थी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड की, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले ब्लड ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेल, केमिकल एंड फ्लूइड, कि ब्लड क्या है, एक सहयोगी ऊतक है और एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यानी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, जिसके अंदर सेल्स आती है, कुछ केमिकल्स या फ्लूइड आता है जैसे प्लाज्मा, वाटर वगैरह। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द बॉडी एंड हेल्प्स टू मेंटेन ए स्टेबल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, कि ब्लड क्या है, अपनी बॉडी के अंदर सब्सटेंस यानी कुछ पदार्थ को एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या है, जो किसमें हेल्प करता है, एंड हेल्प इन टू मेंटेन स्टेबल यानी अच्छी कंडीशन, अच्छा एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, जो क्या है ह्यूमन बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट द ब्लड इंक्लूड रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल,
प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों है सेलुलर कंपोनेंट, और उसके अलावा है प्लाज्मा। नेक्स्ट, ब्लड इज ए रेड वेस्कुलर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म 6-10% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड क्या है, एक लाल वाहिका संयोजी तरल युक्त है, ठीक है, इसलिए वाहिका संयोजी इसलिए बोलते हैं। वाहिका यानी ब्लड वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर रहता रेड इसका कलर होता है, लिक्विड यानी तरल, कनेक्टिव टिश्यू यानी ये अपने एक दूसरे बॉडी ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट फॉर्म 6-10% ऑफ बॉडी वेट, और अपने बॉडी वेट टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट फॉर्म करता है, 6-10%। नेक्स्ट है, इट इज समवट स्टिकी एंड हैवियर देन वाटर। समवट स्टिकी का मतलब है कुछ चिपचिपा, और हैवियर देन वाटर यानी है कुछ चिपचिपा होता है और पानी से थोड़ा भारी होता है। नेक्स्ट है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच, और इसकी जो पीएच है वो कितनी है, 7.4 यानी हल्का सा भारी होता है। प्लाज्मा। नेक्स्ट है, द सेलुलर कंपोनेंट इज मेजर कंसिस्ट ऑफ द 3 मेजर सेल टाइप्स, और जो इसके सेल के जो कंपोनेंट है वो मोस्टली तीन सेल से मिलकर बड़े हैं, जिसके अंदर पहला है रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोसाइट, दूसरा है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट, और तीसरा है प्लेटलेट जो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है, प्योर ब्लड कलर इज रेड एंड इम्प्योर ब्लड कलर इज लुक लाइक पर्पल कलर। यहाँ पे प्योर ब्लड कलर से है यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वो उस ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, जो आपकी आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है यानी धमनी में। नेक्स्ट है, इम्प्योर ब्लड कलर इज लुक लाइक पर्पल, और जो अशुद्ध ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट होती है उस ब्लड का कलर कैसा होता है, बैंगनी। नेक्स्ट, द एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्लड हैज अबाउट 6 लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी, और ह्यूमन जो अडल्ट है उनका एवरेज उनकी बॉडी में कितने लीटर ब्लड मिलता है, 6 लीटर। नेक्स्ट, द ब्लड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.059 to 1.065 ग्राम पर एम एल, और जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.59 to 1.65 ग्राम पर एम एल। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ ब्लड की अपनी ब्लड सेल्स है वो क्या क्या फंक्शन करती है, के अंदर दो कॉलम है, एक तो कंपोनेंट एक फंक्शन। पहले दिखाया गया रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट का क्या फंक्शन है, दे कैरी द प्रोटीन हीमोग्लोबिन व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, यानी कि एरिथ्रोसाइट के अंदर एरिथ्रोसाइट है वो क्या रखती है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट रखती है, जो क्या काम करता है, व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस को अपनी कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कहां से, लंग्स से। नेक्स्ट है, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। उनका क्या काम है कि अपनी ह्यूमन बॉडी में जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है जैसे कोई पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर वायरस, उनसे वो प्रिवेंट करने का काम करती है ताकि कोई ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज ना हो, डिजीज कॉज ना हो। नेक्स्ट है, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट, दे हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी जो अपनी बॉडी में जब कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है बॉडी से बाहर, उनको स्टॉप करने का काम करती है, कैसे, बाय गैदरिंग द साइट ऑफ एन इंजरी, और वो जिस जगह इंजरी हुई है उस जगह इकट्ठी होकर ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फंक्शन के बाद ब्लड कंपोजिशन, कि ब्लड जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो किन किन चीजों से कंपोज हुआ है, यानी कौन सी चीजें मिलकर ब्लड को फॉर्म करती है, बनाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले देखें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड इज मेड अप ऑफ एन एक्वस लिक्विड
ब्लड किससे मिलकर बना है, एक एक्वस लिक्विड से यानी लिक्विड पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम क्या है प्लाज्मा। इन बीच सॉलिड यानी उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो ब्लड सेल्स और क्या प्लेटलेट आर सस्पेंडेड उसके अंदर इन्वॉल्व है। इट अकाउंट्स फॉर 6-10% ऑफ द बॉडी वेट, और ये अपने बॉडी वेट का कितने परसेंट फॉर्म करता है, इस तरह से 10%। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्टिब्रेट, इट कंपोज ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। वर्टिब्रेट के अंदर ये किससे कंपोज हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ब्लड सेल से यानी सेलुलर कंपोनेंट से, और दूसरा पोर्शन क्या है ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट लाइन में है ह्यूमन ब्लड इज कंपोज ऑफ 45% ऑफ सेलुलर कंपोनेंट एंड 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ह्यूमन का जो ब्लड है वो क्या है 45% 45% तो किससे मिलकर बना है सेलुलर कंपोनेंट से जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है एंड 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा, और रेस्टिंग जो पोर्शन है 55% वो किससे मिलकर बना है प्लाज्मा से यानी जो एक क्लियर लिक्विड है उससे। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट में मोस्टली तीन कंपोनेंट है, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट यानी एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है ब्लड कंपोजिशन चार्ट, कि ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके चार्ट के द्वारा दिखाया गया है उसके अंदर क्या है। देखो आप ब्लड सबसे पहले ब्लड को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक तो 45% पोर्शन है जो क्या है सेलुलर कंपोनेंट यानी फॉर्म एलिमेंट जो क्या है अपनी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर क्या है सेल्स फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्म एलिमेंट, और दूसरा जो पोर्शन है 55% वो क्या है प्लाज्मा। तो दो चीजों से मिलकर बना है ब्लड, एक तो क्या सेलुलर कंपोनेंट यानी फॉर्म एलिमेंट और दूसरा 55% प्लाज्मा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म एलिमेंट क्या क्या यानी सेलुलर कंपोनेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले दिखाया गया प्लेटलेट जो कितने परसेंट है 4-8.8% 4-8% मोस्टली 4.8% यानी 4.8%। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल यानी जो ब्लड कंपोजिशन के अंदर सेलुलर कंपोनेंट में सबसे मेजर सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो क्या है आरबीसी 95.1% यानी 95.1%। तीसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल जो कितने परसेंट है 0.1% यानी सबसे कम। नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स को फिर अलग अलग क्लासिफाई किया गया है जिसके ऊपर उनकी जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है उनके बेसिस के ऊपर क्योंकि शेप एंड स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उनको सबसे पहले दो कम ग्रुप में कम क्लासिफाई किया गया था, एक तो ग्रेन्यूलोसाइट एक एग्रेन्यूलोसाइट यानी उनकी सेल्स के ऊपर अगर ग्रेन्यूल है तो वो क्या है ग्रेन्यूलोसाइट, अगर उनकी सेल्स पे ग्रेन्यूल नहीं है तो वो क्या है एग्रेन्यूलोसाइट। सबसे पहले है ग्रेन्यूलोसाइट यानी जिनके ऊपर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर है तीन सेल्स है मेजर। सबसे पहले न्यूट्रोफिल यानी मल्टीलोब जिसके अंदर बहुत सारी पानियां प्रेजेंट है जो कितने परसेंट है 54-62%। नेक्स्ट है इयोसिनोफिल जो एक से क्या है 3% है यानी जो एलर्जिक कंडीशन में एक्टिवेट होती है जिनके कंडीशन एलर्जिक कंडीशन में से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेसोफिल जो क्या है 1% से भी कम है। दूसरा पोर्शन आता है एग्रेनुलोसाइट यानी जिसके सेल्स के ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो एग्रेनुलोसाइट को फिर दो पोर्शन में क्लासिफाई किया गया मोनोसाइट लिम्फोसाइट। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ब्लड दो पोर्शन में 45% और 55%। 45% है जो सेलुलर कंपोनेंट जिसमें तीन प्रकार के कंपोनेंट है प्लेटलेट रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। फिर व्हाइट ब्लड सेल को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है जिसके अंदर पांच अलग अलग सेल्स है 5 न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले, दूसरा इयोसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये था ब्लड का सेलुलर पोर्शन जो 45% है। अब अगर नेक्स्ट जो पोर्शन है जो बचा हुआ रेस्टिंग पीस वो क्या है 55% यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो साल्ट है यानी जो आयन है ठीक है वो। दूसरा है सबसे मेजर जो पोर्शन होता है प्लाज्मा के अंदर वाटर, वो कितने परसेंट है 92% यानी 90-92% या 90-92% होता है। नेक्स्ट जो तीसरा पोर्शन दिखाया गया है वो प्रोटीन, वो कितने परसेंट है 7%, जिसके अंदर मोस्टली तीन प्रकार की प्रोटीन दिखाई गई है, एक तो एल्बुमिन
एल्बुमिन क्या करती है, जो अपने रिनल फंक्शन है यानी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, एल्बुमिन। नेक्स्ट जो प्रोटीन से रिलेटेड दूसरा पोर्शन है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है जैसे IgGM, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, उन एंटीबॉडी को फॉर्म करने का काम कौन करती है, ग्लोबुलिन। और तीसरा तीसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो क्या करती है अपनी बॉडी में जब कोई इंजरी होती है तो क्लोटिंग के अंदर काम में आती है। फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। ये था प्रोटीन पोर्शन। नेक्स्ट है वेस्ट, यानी जो ब्लड के अंदर अपनी बॉडी से रिलेटेड वेस्टेड कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर मोस्टली क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन। यूरिया तो कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो लास्ट में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन अपने बोन से सिक्रेट होता है। तीसरा पोर्शन होता है वेस्ट के अंदर बिल्यूबिन। बिल्यूबिन कहाँ से फॉर्म होता है अपनी बॉडी के अंदर, बिल्यूबिन जब हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है यानी हीमोग्लोबिन जब टूटता है उससे क्या फॉर्म होता है, बिल्यूबिन पिगमेंट। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूट्रिएंट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट कौन से प्रेजेंट रहते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट के अंदर मोस्टली तीन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, एक तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड, ठीक है, और तीसरा क्या है फैट यानी कीटोन बॉडी। नेक्स्ट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट के अलावा क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हार्मोन, विटामिन। लास्ट के अंदर जो पोर्शन है वो क्या है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर और क्या डिजोल्व होता है, गैसेस। गैसेस कौन सी, एक तो N2, एक नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन यानी O2, और तीसरी क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले ब्लड को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है, 45% सेलुलर कंपोनेंट जो आपने देख लिए। नेक्स्ट जो अभी देखे हैं वो क्या है, 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या डिजोल्व होती है, सबसे पहले मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मेजर पोर्शन होता है वो वाटर का होता है 92%। उसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन या फिर वेस्ट या फिर क्या है जैसे न्यूट्रिएंट, विटामिन, हार्मोन या फिर गैसेस प्रेजेंट रहती है जिससे क्या है प्लाज्मा कंपोज होता है। और इसके अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या है सेलुलर कंपोनेंट डिजोल्व रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया कि जो आपको ब्लड है, ब्लड के अंदर जो वाइल है उसके अंदर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं, डिफरेंस कैसे कैसे कर सकते हो। तो तब क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब उस वाइल को देखते हैं तो ऊपर का जो पोर्शन बचता है यानी येलोविश लिक्विड वो क्या है, प्लाज्मा। फिर उसके बीच में बफी कोट बचता है यानी व्हाइट कलर का पिगमेंट वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC। और तीसरा से नीचे ही नीचे RBC क्या है उसमें सेडिमेंट हो जाती है, नीचे बैठ जाती है क्योंकि RBC का गैस स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ज्यादा है इसी वजह से वो बॉटम में बैठ जाती है। तो जो नीचे का पोर्शन बनता है वो क्या है, रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या दिखाया, 55% क्या दिखा दिया, प्लाज्मा है, 45% सेलुलर कंपोनेंट है, बीच में 0.7% क्या दिखाया, व्हाइट ब्लड सेल। इसी तरीके से प्लाज्मा और आप RBC को क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ से आप दो चीजें और भी समझ सकते हो कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था हिमेटोलॉजी के डेफिनेशन में कि आप क्या देखते हो, हिमेटोलॉजी के अंदर ESR की इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो नीचे का जो पोर्शन है रेड ब्लड सेल जो दिखाई दे रही है वो क्या है, ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो RBC नीचे बैठी हुई है उसकी दर। और ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर जो येलोविश लिक्विड दिख रहा है आपको वो क्या है, प्लाज्मा, जो क्या है PCV यानी पैक सेल वॉल्यूम। जब RBC नीचे बैठ जाती है ऊपर का जो पोर्शन बचता है उसी को बोलते हैं PCV यानी पैक सेल वॉल्यूम। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड यानी ह्यूमन बॉडी के थ्रू आप अगर ब्लड कंपोजिशन समझना चाहो तो कैसे समझोगे। सबसे पहले क्या है, एक ह्यूमन को दिखाया गया है जिसके अंदर ब्लड कितने परसेंट दिखाया गया है, 8%, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज 6-10% होता है जिसमें कितना लिया है, 8% बॉडी वेट का। फिर ब्लड जब आपने क्या है एक वाइल के अंदर कलेक्ट कर लिया यानी ब्लड का सैंपल कलेक्शन कर लिया, तब अगर आप वाइल के अंदर ब्लड को देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा सेंट्रीफ्यूज के बाद में, तो नीचे की तरफ जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, सेलुलर कंपोनेंट यानी फॉर्म्ड एलिमेंट जो अपनी बॉडी के द्वारा फॉर्म किए गए हैं वो है 45%। ऊपर का जो पोर्शन है
वो कितना है 55%, यानी प्लाज्मा। सबसे पहले देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है। प्लाज्मा के अंदर सबसे बड़ा भी पोर्शन दिखाया गया है 91%, यानी 90 to 92% एवरेज है। क्या है? वाटर। ठीक है, ऊपर वाटर के बाद में ऊपर की तरफ दिखाया गया आपको प्रोटीन, जो कितने परसेंट है? 7% है। प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन दिखाई गई है, कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। सबसे मेजर पोर्शन जो होता है 7% में, तो उसके अंदर किसका पोर्शन है? एल्बुमिन का 58%। नेक्स्ट ग्लोबुलिन यानी 38%, और सबसे कम होता है फाइब्रिनोजन का, यानी 4%। अब सबसे कम प्लाज्मा के अंदर क्या सॉल्यूट होता है? वो है 2%, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? एक तो आयन, आयन के अंदर क्या? इलेक्ट्रोलाइट, यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम या फिर आयरन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट यानी जो अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या आ गया? जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ग्लूकोज, जो मेन एनर्जी सोर्स है, अमाइनो एसिड प्रोटीन से रिलेटेड, या फिर कीटोन बॉडी जो प्रोटीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन। नेक्स्ट है गैसेस जो ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, उसके अंदर क्या क्या आ गई? ऑक्सीजन, ठीक है, M2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या है देखिए? रेगुलेटरी सब्सटेंस। रेगुलेटरी सब्सटेंस के अंदर आप देखोगे तो क्या, जैसे हार्मोन्स जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, या फिर विटामिन या मिनरल्स, वो सारी चीजें किसमें आ गई? रेगुलेटरी सब्सटेंस में। ये था आपका प्लाज्मा। बट अगर आप नीचे सेलुलर कंपोनेंट देखो, फॉरन एलिमेंट जो 45% है, उसके अंदर सबसे ऊपर दिखाया प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट, उसके बाद में दिखाया WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, और सबसे नीचे दिखाया रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर प्लेटलेट का जो वॉल्यूम दिखाया गया वो कितना है? 252,400,000। ये 1000 गल से यहाँ पे क्या है? लैक, यानी 2.5 लाख से क्या है? 4 लाख इसकी जो क्या है? नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल, जो कितनी है? 5 to 9,000, यानी 5 से 9,000। नेक्स्ट है RBC रेड ब्लड सेल, जो क्या है? 4.2 to 6.2 मिलियन, यानी सबसे मेजर पोर्शन जो किसका है? रेड ब्लड सेल का है। अब व्हाइट ब्लड सेल को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है? न्यूट्रोफिल, जिसकी एवरेज वॉल्यू होती है 45 to 65, यानी इसमें दिखाया गया 60% to 70%। या लिम्फोसाइट जो 20 to 25% है। मोनोसाइट क्या है? 3 to 8%। या इओसिनोफिल्स यानी 2 to 4%। या बेसोफिल कितना है? 0.8, 0.5 to 1%। नेक्स्ट जो आपका दिखाया गया डायग्राम, वो किसके अंदर है? कि ह्यूमन ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपकी वाहिका होती है, ठीक है, वेन्स होती है, आर्टरी और यानी वेन यानी धमनी और शिरा, उनके अंदर ब्लड कंपोजिशन दिखाया गया। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या दिखाया गया उसके अंदर? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ही सेलुलर कंपोनेंट क्या है? डिजोल्व रहते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55%। दूसरा जो कंपोनेंट दिखाया गया है 1%, यानी लेस देन प्लेटलेट, जो सबसे कम होती है, 1% से भी कम होती है ब्लड में। तीसरा कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल, जो कितने परसेंट से दिखा दी? 45%, जो सबसे मेजर पोर्शन है ब्लड का, सेलुलर कंपोनेंट का। और उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल, यानी लेस देन 1% WBC, वो कितनी है? 1%। तो इसके अंदर दोनों चीजें दिखाई है, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा फिर सेलुलर कंपोनेंट में तीनों चीजें, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है वो किसका है? ब्लड कंपोजिशन का, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही दिखाया गया। उसके अंदर दिखाया गया ह्यूमन बॉडी से जब आप ब्लड कलेक्ट करोगे तो 55% प्लाज्मा है, 45% फॉरन एलिमेंट है, 7% फिर प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन है, 91% वाटर है, और अदर सब्सटेंस कितने हैं? 2%। प्रोटीन के अंदर 3 होती है, एक तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और अदर सॉल्यूट के अंदर क्या है? आयन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट या जैसे दिया रेगुलेटरी सब्सटेंस। फिर नीचे सेलुलर कंपोनेंट में देखो, जो 45% है उसमें प्लेटलेट दिखाई गई है, ल्यूकोसाइट दिखाई गई है। ल्यूकोसाइट का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, जो सारी की क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है, अलग अलग। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट, जो सबसे नीचे की तरफ पोर्शन है,
यानी रेड ब्लड सबसे मेजर फंक्शन होता है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया गया सेलुलर कंपोनेंट, यानी जो 45% होते हैं ब्लड के अलग से, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर और वॉल्यूम और फंक्शन कि वो काम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो सेल टाइप, दूसरा है नंबर यानी कितने परसेंट होते हैं, तीसरा है फंक्शन। तो सबसे पहले देखो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, जिसकी शेप कैसी दिखाई गई है, बाइकॉनकेव यानी उपवृत्त, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू है कितनी है, 5 to 6 मिलियन। नेक्स्ट काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए काम में आती है, कौन सी सेल, रेड ब्लड सेल। सेकेंड जो आपको दिखाई गई है ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 5,000 से 10,000, जिसके अंदर दिखाया गया है आपको न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट के बराबर में क्या लिखा है, मैक्रोफेजिंग टिश्यू, यानी अपने ऊतक के अंदर जब मोनोसाइट चली जाती है तो सबसे बड़ी सेल है जो सब बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने का काम करती है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन आप देखोगे तो वो क्या करती है, डिफेंस एंड इम्यूनिटी शो करती है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है प्लेटलेट, प्लेटलेट का जो एवरेज वॉल्यूम है वो कितना है, 2.5 लाख to 4.0 लाख, जो काम क्या करती है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड क्लोटिंग का यानी ब्लड को क्लोट करने का काम करती है, जो ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है इंजरी के टाइम पे, उसको स्टॉप करने का काम करती है। नेक्स्ट है, ये था आपका पहले वाला डायग्राम ब्लड या ब्लड के ऊपर था यानी सेलुलर पोर्शन पे। अभी जो नेक्स्ट डायग्राम है वो ओनली किसका है, ब्लड प्लाज्मा का, जो कितने परसेंट पोर्शन है, 55%। सबसे ऊपर क्या लिखा है, प्लाज्मा को 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड के पूरे आइटम का कितने परसेंट होता है, 51%। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें कंपोज होती है, 91% वाटर, ठीक है, 7% प्रोटीन और 2% में अदर सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। न्यूट्रिएंट में लिखा है अमीनो एसिड, शुगर यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड यानी फैट। और प्रोटीन तीन दिखाई गई है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। फिर नीचे वही सेलुलर कंपोनेंट 45% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कितने परसेंट है टोटल, 45 यानी 45% है। नेक्स्ट आज जो आपने पढ़ा ब्लड कंपोजिशन, उसके उसके अंदर क्या था, चार्ट था, जिसके अंदर आप क्या क्या चीजें देखोगे, सबसे पहले जिसके अंदर 55% तो किसका पोर्शन होता है, प्लाज्मा का, जिसके अंदर 55% पोर्शन होता है प्लाज्मा का, 45% सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में तीन चीजें हैं, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लाज्मा के अंदर क्या है, मोस्टली वाटर होता है, कितना, 92%। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, वेस्ट, न्यूट्रिएंट और गैसेस प्रेजेंट रहते हैं।